हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, शेडिंग का ट्यूटोरियल फाइनली आ चुका है। इससे पहले पार्ट में हमने सीखा था कैसे माउंटेन को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा, जाकर उस वीडियो को देखिए, देन आप इस वीडियो को देखिए तो आपको और ज़्यादा समझ में आने वाला है। तो ये रेफरेंस इमेज है, इस रेफरेंस इमेज को मैं ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। इससे मुझे आसानी रहेगी शेडिंग करने में, और फोटो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके आप भी ड्रॉ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर पेंसिल जो यूज़ कर रहा हूँ आपको बता देता हूँ। मैं ब्रूस्टर की पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, जो ग्रेड है यहाँ पर 2B, 4B, 6B, और डार्क पोर्शन के लिए यहाँ पर 10B यूज़ करूँगा। और ये डिटेलिंग का यूज़ कर रहा हूँ, इसको मैंने कटर से अच्छे से साफ करा है। ये डिटेलिंग के काफ़ी हेल्पफुल है। और यहाँ मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करूँगा सकुरा की 0.3 की, एंड 0.5 की यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ हर वीडियो में कि जब भी आप शेडिंग स्टार्ट करते हो तो पहले आपको एक काम करना है, फोटो को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, कहाँ पर लाइट है, कहाँ पर डार्क है, ये आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा, देन आप उसको शेडिंग करो। तो यहाँ पर मैं बेस लेयर देने के लिए HB पेंसिल यूज़ करता हूँ, और आप कोई भी यूज़ 2HB पेंसिल यूज़ कर सकते हो। मैं HB पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। और बेस लेयर देने के लिए आईज को पूरा प्रॉपर मैं शेड कर दूँगा पहले मैं HB पेंसिल से, देन इसके बाद पूरा शेड करने के बाद मैं ब्लेंड करता हूँ। आप भी ऐसा ही करा करो, चूँकि आप अगर बेस लेयर दोगे तभी जो आपका पोर्ट है वो रियलिस्टिक लगेगा। कि अगर आप पहले से डार्क पोर्शन को ऑप्ट करोगे तो आपको हाईलाइट देने में दिक्कत आती है, और पैचेस आ जाते हैं। तो हमेशा पहले आपको बेस लेयर देनी है, वो 2H से या HB पेंसिल का यूज़ करके आप दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करके यहाँ पे मैं और डार्क वैल्यूज को ऑप्ट कर रहा हूँ। बट आपको पेशेंस रखना है जब भी आप शेडिंग को स्टार्ट करते हो, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अगर पेशेंस रखोगे तो आपको रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं प्रॉपर शेड कर रहा हूँ, और आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है कौन सी पेंसिल मैं कहाँ भी यूज़ कर रहा हूँ, ये आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है जब भी आप ड्रॉ करते हो और समझ रहे हो। तो मैं यहाँ ज़्यादा बोलूँगा तो आप बोल जाओगे, तो आप वीडियो को देखो और अच्छे से ऑब्जर्व करो कैसे मैं यहाँ पर शेड कर रहा हूँ। तो लेट्स सी।
फाइनली इतना कंप्लीट हो चुका है और जो बाकी नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे जो बाकी रह रहा है हमारा पोर्शन, तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने नहीं लेके आया हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।